अमेठी के जगदीशपुर में देर शाम को पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल शुरू हो गया। नाराज छात्रों ने पहले तो हाईवे जाम किया, उसके बाद हाईवे पर जा रही सरकारी बस को रोककर उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर छात्र उग्र हो गए और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। छात्रों के पथराव में एक SHO समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका जगदीशपुर CHC में इलाज चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अमेठी SP और DM ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 3 सीटों समेत 10 थानों को पोस्ट के एक कंपनी PSC को भी लगा दिया गया है। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। मामला कमरोली थाना क्षेत्र स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निक का है। यहाँ इंजीनियर सेकेंड ईयर के छात्र प्रिंस यादव अपने 2 दोस्त के साथ हाईवे पर जा रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही एक नियंत्रित बलैरो ने प्रिंस को टक्कर मार दी, जिससे प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बलैरो चालक गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गया। साथी के मौत की सूचना मिलते ही सैकड़ों छात्र घटनास्थल पहुंचे और शव को हाईवे पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। इसी बीच कुछ छात्रों ने पास से गुजर रहे रोडवेज की बस को आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और कई थाना की पुलिस ने लाठियां भांजकर स्थिति को नियंत्रण में किया। आज सुबह एक बार फिर सभी छात्र उग्र हो गए और नाराज छात्रों ने पॉलिटेक्निक के बाहर लगी पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसके बाद एक SHO समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जगदीशपुर CSC में भर्ती करवाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए DM प्रशांत कुमार और SP ख्याति गर्ग मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद का एहतियात के तौर पर मौके पर 3 CO के अलावा 10 थानों की फोर्स और एक कंपनी PSC को तैनात कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर अमेठी SP ने कहा कि जौनपुर का रहने वाला प्रिंस यादव संजय गांधी पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर का छात्र था, जिसको कल तेज रफ्तार बलैरो में टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नाराज छात्रों ने एक बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। आज सुबह छात्र एक बार फिर उग्र हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षा को लेकर कई पॉलिटेक्निक के बाहर कई थानों की फोर्स और PSC को तैनात कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। छात्र के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परिजन शव को लेकर अपने घर को रवाना हो गए। पूछताछ के लिए कई छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। जी, कल शाम को हमारे पास ये सूचना आई थी कि एक अज्ञात वाहन द्वारा NH 56 पे कमरौली थाने से कुछ दूरी पर मेन हाईवे पर ही एक अज्ञात वाहन द्वारा एक प्रिंस यादव हैं सेकेंड ईयर के छात्र संजय गांधी पॉलिटेक्निक के, उनको हिट एंड रन में उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। और वहाँ पर फिर कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहाँ डेड बॉडी के पास ही रोड जाम कर दिया और पूरा वेहिक्यूलर ट्रैफिक वहाँ जाम हो गया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ हम और DM मौके पर पहुँचे और स्टूडेंट से बातचीत की गई और उनका मेन ग्रीवेंस ये था कि जब मौके पर प्रिंस की डेथ हुई तो उस वक्त कोई एम्बुलेंस उसको ले जाने को तैयार नहीं थी। जो आसपास जो लोग आ जा रहे थे वो लोग उसको वहाँ से ले जाने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण डिले में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे उनसे एक प्रत्यावेदन हमारे द्वारा ले लिया गया और उस प्रत्यावेदन पर भी हम लोग आगे जितनी उनकी मदद हो पाएगी और जो प्रत्यावेदन की डिमांड्स हैं उन पर हम लोग जितनी पॉसिबल कार्रवाई है वो करेंगे। उसी के मध्य जब बच्चों में आक्रोश था तो उन्होंने एक सरकारी रोडवेज की बस है उसमें आगजनी कर दी थी और 1-2 व्हीकल्स के शीशे तोड़कर उसमें तोड़फोड़ हुई थी। बाद में पूरा व्हीकल और ट्रैफिक जो है वो खुलवा दिया गया था, रोड जाम भी हटवा दिया गया था। अब इस संबंध में कमरौली थाने पर FIR पंजीकृत की गई है और एक्सीडेंट में अज्ञात व्हीकल जो है उसको हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, सभी जगह सर्च करा रहे हैं और जल्द ही व्हीकल और उसको चलाने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आगजनी हुई है और जो रोड जाम हुआ था उसके संबंध में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया है कि किसके द्वारा ये इतनी बच्चों में जो हिंसा भड़की है तो वो हिंसा किस लिए भड़की और किसके द्वारा ये भड़काया गया और आगजनी किसके द्वारा की गई थी पब्लिक रोडवेज की बस में, उस संबंध में पूछताछ चल रही है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।